हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे डिफाइन सेज लॉ ऑफ मार्केट्स तो शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे वो मैंने बताया हुआ है और इस चैप्टर को इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूंगे इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चलिए शुरू करते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट्स किसने दिया था जेबी से ने सेज लॉ ऑफ मार्केट्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय जीन बाप्टाइस से जिनकी शॉर्ट फॉर्म जेबी से भी है अकॉर्डिंग टू जेबी से सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड वो कहते थे सप्लाई कर लो डिमांड खुद ब खुद हो जाएगी कैसे होगी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इट मीन दैट वेन एवर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स जब भी प्रोड्यूसर कोई माल बनाता है गुड्स बनाता है ही पेज रिमोनोरेशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस इंटरेस्ट रेंट एंड प्रॉफिट तो जब भी प्रोड्यूसर सामान बनाता है उसके बदले जिन लोगों से बनवाता है उन लोगों को फैक्टर इनकम्स देता है जैसे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस ठीक है प्रॉफिट को छोड़ के रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस मतलब फैक्टर इनकम

द गुड्स प्रोड्यूस तो यही इनकम से फिर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में जाकर खरीदे जाएंगे तो सिंपल वर्ड्स में जब भी सप्लाई करो तो डिमांड अपने आप हो जाती है ये सेज लॉ कहता है केन्स इसके अपोजिट कहता है केन्स कहता, कहता है ऐसा कभी नहीं होता ठीक है वो केन्स के चैप्टर में करेंगे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेक केयर बाय